प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी फौरन ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, आप सब हैरान हो रहे होंगे लेकिन खैर कई लोगों को मालूम भी होगा कि फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट लगाई है, यानी अब जो एक्स कहलाता है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट लगाई है। और फवाद चौधरी साहब का कहना ये है, उन्होंने सब दोस्तों से एडवाइस मांगी है, सब दोस्तों से मदद मांगी है कि जी जरा उनको ये बताया जाए कि वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके लिए क्या पॉजिटिव बात कह सकते हैं क्योंकि उनको कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही, कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही जिससे कि वो कोई पॉजिटिव बात कह सके मोदी जी के बारे में। जी हाँ, और ये देखकर यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो फवाद चौधरी साहब से ट्विटर पे बातें कर रहे थे और ट्वीट्स वगैरह की जा रही थी, तो मैंने भी एक ट्वीट की, मैंने कहा उनको कि जी कम से कम यही कहा जा सकता है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत को बना दिया है मोदी जी ने, तो उसके बारे में भी खैर फवाद चौधरी साहब ने मुझे रिप्लाई किया और बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के रह चुके हैं और उन्होंने मुझ जैसी छोटी मोटी जर्नलिस्ट को रिप्लाई किया, उसके लिए खैर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब कि आपने मुझे जवाब दिया। लेकिन खैर फवाद चौधरी साहब का कहना यह था कि जी उसमें भी मोदी जी का कोई कमाल नहीं है और वो सारा का सारा कमाल जो है वो है जी मनमोहन सिंह जी का, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने ये इकोनॉमी वगैरह के ऊपर काम करना शुरू किया था, तो इसलिए उन्होंने वो क्रेडिट भी मोदी जी से वापस ले लिया। अलबत्ता ये जरूर है कि फवाद चौधरी साहब काफी अपसेट दिखाई देते हैं मोदी जी से और उनका कहना यही है कि उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो मोदी जी की तारीफ कर सके। मोदी जी का एक क्लिप भी काफी वायरल है आजकल जिसमें उन्होंने किसी पॉलिटिकल रैली में कहा कि जो पहले आतंक भेजा करता था वो आटे के लिए तरस रहा है, पहले जो मुल्क जो है पूरे वक्त लड़ाई झगड़ा किया करता था वो जी कटोरा लेकर घूम रहा है। बहुत से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात के ऊपर काफी नाराज है, फिर होना भी चाहिए, हमारी कंट्री को मोदी जी ने ऐसा कहा है, मगर ये भी बात सच है कि मोदी जी ने सच ही कहा है और अगर हम चाहते हैं कि चाहे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो हमारी कंट्री को कुछ ना कहे, कुछ बुरा भला ना कहे, तो हमें ये सारी चीजें हटानी होंगी। कटोरा लेके घूमना भी बंद करना होगा जो अभी तक हम घूम रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी IMF के दर पे खड़े हैं तो कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, कभी सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो कभी चाइना के सामने घुटने टेक रहे हैं, हम अभी तक यही कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भारत या कोई दूसरा मुल्क जो है या उनके लीडर या उनके लोग उठकर हमें ये ना कहें कि हम भीख मांगते रहते हैं या हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी ही इकोनॉमी पे काम करना होगा, अपनी ही फैक्ट्रीज ओपन करनी होगी, अपने ही एनर्जी सेक्टर में काम करना होगा। जब हम या हमारे लीडर या हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग जब जगह जगह जाकर ये कहानियां सुनाना बंद कर देंगे कि जी हमें पैसा चाहिए, हमसे मुल्क नहीं चल रहा, ये हमारी बुरी हालत है, हमारे पास अपने लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, हमारे पास जॉब के पैसे नहीं है या हमारे पास मेडिकल के पैसे नहीं है, इस किस्म के फंड्स अगर हम मांगना बंद करेंगे और खुद अपने आप काम करके ये सारी चीजें अपने लोगों को देंगे तो फिर यकीनन कोई हमें कुछ कह नहीं सकेगा। अच्छी बात यह है या अजीब बात यह है या जो मर्जी कह लीजिए, जैसी मर्जी बात यह है कि जब मोदी जी का एक क्लिप चला और सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत नाराजगी दिखाई कि जी इन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो हमारे लीडर उठ के कह देते ना कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम तो कहीं कटोरा लेके नहीं घूम रहे, ना ही हम FATF की ग्रे लिस्ट में थे और FATF की ग्रे लिस्ट में जाहिर है कि हम किस लिए थे, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो हम इनकार कर देते अगर ऐसा नहीं था, तो हमें कहना चाहिए था, बल्कि हमें साबित करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई लीडर उठकर कोई सबूत नहीं दे सकता, कोई बात नहीं कर सकता कि हमने ये सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के लोग पाए जाते हैं, जिस तरह के लोग पकड़े जाते हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो है चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे कई लोग जिसमें के उसामा बिन लादेन जैसे हमारे से पाया गया 10 साल बाद, तो हम ये कहने से बिल्कुल भी जो है हमारे कहने का बनता नहीं है कि हम ये बात कर सके, हमारे यहाँ ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी का अंदाज आपको काफी पसंद और इंटरेस्टिंग लगा होगा, जहाँ पे आपने देखा आरजू काजमी जी ने बात की पाकिस्तान के पूर्व साइंस मंत्री फवाद चौधरी, जी हाँ वही डब्बू मंत्री जो कभी भारत का मजाक उड़ाया करते थे। आजकल वो काफी ज्यादा वेले हैं, यानी उनके पास कोई काम नहीं है, पर वो राहुल गांधी के प्रति काफी ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी से नाराज नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।